अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं। आज मैं पार्क की तरफ आया हूँ और यहाँ मैंने वीडियो बनानी थी। थोड़ी सी वीडियो वैसे बनानी तो थी आज की, मैंने बाज़ार आया था तो इधर को जो एरिया होता है ये वाला अच्छा एरिया है, साफ़ सुथरा एरिया है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हम वीडियो बना लेते हैं। और वैसे भी वीडियो को मेरे ख्याल में कोई एक हफ़्ता हो गया बनाई हुई, और आज की वीडियो में इंशाल्लाह पूरी जो हमारे वीक की स्टोरीज़ हैं या स्टोरीज़ थी जो गुजरी हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि क्या कहते जब हम सनद रहे, सनद समझते हैं, अगर आप नहीं समझते तो हम जब पढ़ते थे FSC में तो वहाँ एक रसीद होती थी, तो उस रसीद में पता क्या लिखा होता था कि हम ये चीज़ लिख रहे हैं ताकि सनद रहे आने वाले वक़्त के लिए, या किसी भी परेशानी की वजह से कोई अगर मसला बनता तो वो सनद रहती है। तो ये मैं एक सनद के तौर पे अपनी वीडियोस बनाता हूँ ताकि बाद में देखें, अल्लाह ने कर्म किया तो बाद में देखेंगे, एक मेमोरी बन जाती है, फ़ायदा है। अच्छा, आज की वीडियो में गपशप हम करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, पिछले जुम्मे वाले दिन, आज क्या दिन है जी, हाँ पिछले मैंने आई थिंक को हफ़्ता पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर मैं वीडियो नहीं बनाई। और पहले हम बात करेंगे वो ये है कि मेरे लैपटॉप की विंडो ख़राब हो गई थी। वो कैसे हुआ जी काम सारा, मैंने मेरे मुझे एक काम आया, उर्दू में टेक्स्ट लिखना था उसमें एक वीडियो में, तो जो मेरे पास सैंपल आया था उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ था सिंपल अरबी में, तो मैंने सोचा कि इसको ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको नूरी नस्तलीक ख़त में लिखते हैं। अच्छा हाँ जी, लैपटॉप मेरा हो गया था ख़राब, उसमें पता क्या, मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि मुझे एक काम आया था उसमें मैंने लिखनी थी उर्दू, और उर्दू जो मुझे सैंपल मिला था उसमें उर्दू जो अच्छी तरह नहीं लिखी हुई थी। मैंने सोचा कि अपनी तरफ से हम अपना थोड़ा अच्छा काम करते हैं, उस पर नूरी नस्तलीक ख़त लिखते हैं, जो हम आपने देखा होगा कॉमन जो उर्दू में जिसमें लिखा जाता है ना, जो अखबार में लिखा होता है, तो जो बुक्स में लिखा होता है उसे कहते हैं नूरी नस्तलीक, तो वो लिखना था मैंने। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं था, मेरे दूसरे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर था जिसमें मैं आजकल काम कर रहा हूँ, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं था। तो फिर ये हिसाब हुआ जी, मैंने सोचा चलो डाउनलोड करते हैं उसको, और सॉफ्टवेयर को जब डाउनलोड करने लगा तो पता नहीं वो किसी, मैंने कोई अननोन वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, उसने सारा मेरा लैपटॉप ही ख़राब कर दिया, तो सारा डाटा मेरा करप्ट हो गया। लेकिन फिर इतना शुक्र है कि सिर्फ एक मेरा फोल्डर था मेरे भाई का फ़ोटोज़ का था, उसके अलावा मेरा काम के रिलेटेड डाटा था, लेकिन वो सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कि कंप्लीट हो चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, यानी कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा विंडो करवाई, विंडो करवाने के बाद फिर मैंने जो जिस सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ वो काम नहीं हो रहा था, और फिर दोबारा विंडो आवेदन करवाई जाके फिर वही मसला आ रहा था। फिर मैं अपने दोस्त के पास गया, उसने वो दोबारा करके दिया, उसने मुझे गूगल क्रोम करके दिया उस लैपटॉप में, फिर वो मैंने चलाया और फिर शुक्र है कि वो मेरा लैपटॉप चल गया। वो तकरीबन कोई 2-3 दिन पहले की बात है। और उसके बाद जो अगली बात है वो ये थी कि मेरे लिए आज का जो बड़ा खुशी का दिन था वो ये था कि रात मुझे एक ऑर्डर आया था $30 का, जो 30 सेकंड की फाइवर पे मैंने वीडियो की सर्विस देता हूँ, तो वो मैंने बनाना था। क्लाइंट था यूरोप से, बल्जेरिया किसी कोई यूरोप की रियासत है, वहाँ से क्लाइंट था, और उसने मुझे कहा कि यार मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मुझे 30 सितंबर से पहले काम चाहिए, और काइंडली आप कर दो, मैं आपको एक्स्ट्रा भी पे करूँगा। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं कर दूँगा। 30 सेकंड की वीडियो थी और उसने मुझे मुकम्मल आइडिया वगैरह शेयर किया, और जो मैंने वीडियो का काम किया वो 30 सेकंड की थी। वैसे मैंने प्राइस रखी हुई है $20, 2 दिन का डिलीवरी टाइम, और उसने मुझे कहा था कि मुझे 1 दिन में चाहिए, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है जी। वैसे मैंने अपनी वो प्राइस लिखी हुई है कि $30, यानी कि $10 एक्स्ट्रा मैं लूँगा, और मैं आपको 1 दिन में काम डिलीवर कर दूँ। और फिर उसने मुझे ऐसे किया कि मैं आपको पे कर दूँगा $30। मैंने उसे भी एज ए गुड कम्युनिकेटर मैंने उसे कहा कि आप $30 देने के लिए राज़ी हैं या आप खुश हैं $30 देने के लिए, तो उसने मुझे कहा हाँ ठीक है, दिस इज़ फेयर, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दे दूँगा, मनी इज़ नॉट प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि मुझे सिर्फ काम चाहिए। मैंने कहा जी जनाब काम हम करके देंगे, आप पैसे दें हमें। तो उसने फिर रात ऑर्डर प्लेस किया तकरीबन कोई कितने बजे, हाँ तकरीबन 11:30, 12:30, 11:30, 12 बजे। तो मैंने फिर रात ही उस वीडियो का जो डिज़ाइन था, जो स्ट्रक्चर था, वो रात ही मैंने बना लिया था, ताकि मैंने सोचा था कि अगले दिन जो सुबह सुबह मैं जल्दी उठूँ, क्योंकि मैंने एक और भी काम करना था, दो काम और मैंने और करने थे। एक काम तो मैंने रात ही कंप्लीट कर लिया था, फिर मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, एक काम मैंने अभी करना है, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो क्लाइंट की तरफ से वॉइस ओवर मुझे नहीं मिला, वो इंडिया से है। तो
वो मैंने इसलिए रात को स्ट्रक्चर बना लिया था ताकि मैं सुबह सुबह जब जल्दी उठूँ, नमाज़ पढ़ूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद इस पर काम करूँ ताकि ये वीडियो तकरीबन कोई 2-3 घंटे में बन जाए और फिर मैं उसको डिलीवर कर दूँ। ये एक अच्छी बात होती है कि जब आप जल्दी काम कर सकते हैं ना तो आप जल्दी क्लाइंट को डिलीवर करें, वो एक तो अच्छा रिव्यू देता है, दूसरा वो खुश होता है और फिर फर्दर भी काम जो उसने करवाना होता है तो फिर भी हमें हमारी सर्विस लेता है। इसी तरह फिर मैंने काम कंप्लीट किया तकरीबन कोई 10 बजे। पहले तो मैंने सोचा कि ये जो काम इसको मैं डिलीवर करूँ रात को करूँ ताकि ये मुझे रिवीजन वगैरह करना बोले, क्योंकि इसको जो वर्क चाहिए वो अगले दिन 30 तारीख को चाहिए, इसने इसको सबमिट करवाना है आगे, और मैं जब इसको पूरे टाइम पे डिलीवर करूँगा तो ये फिर मुझे आर्डर वगैरह के हवाले से रिवीजन नहीं देगा। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जल्दी कर देते हैं, अगर बंदे को कोई रिवीजन की ज़रूरत भी हुई तो मैं कर दूँगा, इसका टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, मैं अभी जो चला रहा हूँ उस वक्त सॉफ्टवेयर, तो इसमें अगर कोई चेंजेस चाहिए होगी तो मैं भी कर दूँगा। लेकिन फिर जब मैंने डिलीवर किया तो उसी वक्त ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसी वक्त उसने वीडियो देखी और उसको बड़ी अच्छी लगी, फिर उसने मुझे रिव्यू बड़ा अच्छा दिया। तो मैं शायद इस वीडियो के नीचे वो लगा दूँ अगर मेरा दिल किया तो, वरना मैं नहीं लगाऊँगा। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या बात है जी, अभी मैं बाज़ार आया हूँ ना, बाज़ार मुझे मेरी छोटी बहन ने कहा था कि आपने मुझे ना बर्फ़ी खिलानी है, कल ही उसने मुझे कहा था, मैंने सोचा था चलो ठीक है मैं खिलाऊँगा आपको, तो रात ऑर्डर आ गया था तो फिर आज मैंने सोचा चलो उसके लिए बर्फ़ी ही लेके जाऊँ। बाकी ये मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैंने कुछ लोग शायद इस वक्त वीडियो पर देख के आए होंगे फाइवर के हवाले से, तो फाइवर पे जब मेरा जो आर्डर मुझे अभी आना शुरू हुए हैं या पूरे 3 महीने बाद आना शुरू हुए हैं, पहले आर्डर मैंने लोकल ही करता था और अब भी करता हूँ, क्योंकि लोकल जो काम होता है ना इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो मैं सीख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बस मैंने और भी अपने आप को इम्प्रूव करना है इन एनिमेशन के हवाले से, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मेरे पेपर चल रहे हैं, और इसके अलावा जी और कोई गपशप, बाज़ार चलते हैं, बाज़ार से मिठाई लेते हैं, फिर चलते हैं घर और आज ही इंशाल्लाह इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे, बाकी गपशप करते हैं, अगर कोई गपशप हुई तो बाद में करते हैं, ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।